अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, और अगर नहीं रख रहे हैं तो रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सबको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरम, हेयर सीरम, जिसको यूज़ करने के बाद आप लोग मुझसे कहेंगे कि चिदामा इतना अच्छा हेयर सीरम था और तुमने हमें बताया नहीं। चले जी अब बता देते हैं, क्योंकि ये न्यूली लॉन्च हुआ है और मैंने भी इसको तकरीबन 3 से 4 मरतबा यूज़ किया है, और यूज़ करके मैंने अच्छे तरीके से तभी आप लोगों के सामने रिव्यू शेयर किया ताकि कोई भी कमी ना रह जाए इस रिव्यू में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी मेरी रिकमेंडेशन आई है, लोगों ने यही कहा है कि आपकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी होती है और जो आप बताते हैं उस ही तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है ना। ये भी आज जो मैं हेयर सीरम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप लोग वैसे ही लगाइए जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। चले जी अब मैं आपके सामने उस हेयर सीरम को रिवील करती हूँ। ये जी है वो हेयर सीरम क्विक फिक्स कॉस्मेटिक्स का। जी ये है सॉफ्ट एंड शाइन हेयर के लिए, और ये आपके जो हेयर है उसको ग्रूम करेगा, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। और अगर आप लोग स्टाइलिंग करना चाहते हैं और अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं, रफ हेयर हैं, तो ये उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी भी बनाएगा और स्टाइलिंग भी देगा। अभी तो मैंने ये यूज़ नहीं किया हुआ, ये देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, और जस्ट मेरे बाल थोड़े थोड़े गीले हैं और ये थोड़े डैम्प हेयर पर ही यूज़ करने हैं, ठीक है ना। थोड़े से आपके बाल गीले हो रहे हों तो ये आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेट हेयर पर भी, और अगर आप लोगों के बाल हैं जैसे कि बिल्कुल ड्राई हैं तो उस पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको उसका यूज़ करने का तरीका दिखाती हूँ। थैंक्स टू द ब्रांड न्यू क्विक फिक्स कॉस्मेटिक हेयर सीरम, बिकॉज आई लव फ्लॉन्टिंग माई फ्रिज फ्री एंड स्मूथ हेयर, इट इज़ सो ईजी टू यूज आफ्टर अ गुड हेयर वॉश। आई लेट माई ड्राई अ बेट एंड वेन इट्स डैम्प एंड नॉट वॉटरी, आई टेक अबाउट 2 to 3 pumps ऑफ द क्विक फिक्स हेयर सीरम। यू कैन टेक द अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ एंड टेक्स्चर। आई लाइक टू एमल्सिफाई द सीरम इन द पाम्स ऑफ माई हैंड्स लाइक दिस एंड देन अप्लाई इट ऑन माई हेयर स्ट्रैंड्स। आई मेक श्योर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम द एंड स्ट्रैंड्स ऑफ द हेयर एज दे आर द ड्राइस्ट एंड देन वर्क माई वे अपवर्ड्स। The best part about the product is that it acts as a primer by coating your hair, thus protecting it from the heat damage. I also like to crunch it as I feel it absorbs better this way, and then I proceed to style my hair. This serum has the goodness of avocado oil, jojoba seed oil and vitamin E and makes the hair up to 2 times smoother. It also helps in controlling frizz from up to 2 days. So now pump, apply and wave frizz, because this gets a full 5-star from my end. Shine, dekhen kaise aa rahi hai iski? Perfect. और जी इसका रिव्यू मैंने सबसे पहले किया, इसकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मेरे पास रिव्यू के लिए आई हुई हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको चेक करना चाह रही थी कि ये कैसा है, क्योंकि मुझे हेयर केयर के हवाले से बहुत ही कंसर्न रहता है, मेरे बाल ख़राब ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे बालों पर ना लगे जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो बाद में, ठीक है ना जी। क्योंकि बाल एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर वो वापसी नहीं आते, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें। तो हेयर केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अप्लाई करनी चाहिए हेयर पर जो आपके हेयर को डैमेज करे, ठीक है ना। क्योंकि स्किन और सब चीज़ें तो फिर भी रिपेयर और सेट हो जाती हैं, लेकिन बाल जो हैं वो वापसी वैसे नहीं आते, सो बी केयरफुल। बट अब मैं यहाँ पर इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा सीरम, और जब आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी ये सीरम बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी, क्योंकि मैं इसको 3 से 4 टाइम्स अप्लाई कर चुकी हूँ और देन ही मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप यू लाइक दिस, और नेक्स्ट मेरी रिव्यूज़ और वीडियोस के लिए मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।